हाय फ्रेंड, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर में स्वागत है। तो आज जो एक वीडियो बनाएंगे, ये है एओसी का मॉनिटर है, ठीक है। ये वाला मॉडल देख सकते हो, 16 इंची का। तो इसका जो प्रॉब्लम है, सब कुछ ओके है, लेकिन इनपुट नहीं मिल रहा है इसको। तो उसको हम चेक करेंगे अभी, ठीक है। तो नो सिग्नल भी आ रहा है, लेकिन इसका जो डिस्प्ले आना है वो नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पावर दे दिया, यहाँ पे तो सब कुछ सही है, यहाँ पे पावर दे दिया, ये उसी का लिख रहा अभी आ गया। आप जो भेजिए से मैं इनपुट दूंगा, मेरा सीसीटीवी कनेक्शन है यहाँ पर, मेरा सीसीटीवी कनेक्शन भी इधर देंगे, लेकिन कुछ नहीं आ रहा है इसमें। यही इसका प्रॉब्लम, जो इनपुट नहीं ले रहा है इसमें। आप देख सकते हो मेरा ये जो सीसीटीवी है, देखिए चला गया, लेकिन फोटो नहीं है। मैं अभी इसको रिमूव कर दे रहा हूँ, देखिए चला गया, अब डिस्प्ले आ गया। इसको जब मैं डाल रहा हूँ, पूरा स्पॉटिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, देखिए चला गया। भेजिए जब भी दे रहा हूँ, रिमूव कर दिया हूँ, चला गया। जब भी मैं इसको इनपुट कर रहा हूँ, तब ये चला जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि भी अंदर में कुछ गड़बड़ी है, तो हमको खोलते देखना पड़ेगा, ठीक है। रिमूव कर दिया, दीजिए डिस्प्ले आ गया। ये इसका प्रॉब्लम है, सोल्यूशन हम करके ही छोड़ेंगे, ठीक है। तो इसका जो मॉडल नंबर है, इसका प्रोडक्ट नेम है 1619SW, यही होगा इसका मॉडल नंबर। मॉडल नंबर है, देखिए यहाँ पे TFT15W60PS इसका मॉडल नंबर है। तो इसको हम रिमूव करूँगा, मैं देखूँगा क्या इसमें दिक्कत आ रहा है, ठीक है। तो कैसिंग है, कैसिंग को हमने रिमूव किया होगा, ठीक है। तो अब इसको पूरा तरीके से रिमूव करूँगा, तो इसका क्या दिक्कत आ रहा है, तो हम पूरा चेक करूँगा अभी। तो यहाँ पर स्टिकर लगा है, रिमूव ना हो इसलिए, तो इसको उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो रिमूव पॉलिसी है, ये ओपन इधर से नहीं होगा, ये पीछे से ओपन होगा, मतलब इसका जो ब्रेजल है, ब्रेजल को रिमूव करना है, फिर इसका निकलेगा जो निकलना चाहिए। तो यहाँ पे लॉक है, लॉक बहुत सारे लॉक है, आपको रिमूव करना अगर हड़बड़ी कर सकते हो, तो ये पैनल जो है, पैनल ख़राब हो सकता है, ठीक है। अब सावधानी से काम करना है, यह जो लॉक है, और इसका जो रिमूव करने का जो तरीका है, थोड़ा सा हटके है, क्योंकि आपका उंगली भी कट सकता है। तो इसको जो करना है, इस मॉडल का सावधानी से खोलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक वीजी का स्क्रू रहता है, अगर ये नहीं रिमूव करोगे तो वीजी बोर्ड ओपन नहीं होगा, ठीक है। शॉर्टिंग वगैरह होना चाहिए, क्या शॉर्टिंग वगैरह है, तो इसको चेक करना है, ठीक है। कर दिया हूँ, हो गया। या तो डिस्प्ले है, इसको भी हम
अभी रिमूव कर दिया। तो इसका जो वीजीए बोर्ड में इसके दिक्कत है, क्योंकि वीजीए लगाने से डिस्प्ले चला जा रहा है, आना चाहिए इसको, डिस्प्ले चला जा रहा है। तो देखना है क्या दिक्कत है। इसका ग्लास जो है मल्टीमीटर चाहिए, फिर भी शॉर्टिंग वगैरह होना तो चाहिए। इसका जो वीजीए बोर्ड था वो मैंने चेंज करके पूरा रेडी कर दिया हूँ, और जो चेंज करने का जो वीडियो वो मेरे से डिलीट हो गया था। तो वॉचिंग करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।